इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी के लखनऊ से सीएम योगी से सपा विधायकों ने मुलाकात की है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, सपा के 5 विधायकों ने सीएम से आज मुलाकात की है। लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी से सपा विधायकों की ये मुलाकात है। साथ ही आपको बता दें कि सपा के 5 विधायकों ने सीएम योगी से आज मुलाकात की है। अभय सिंह, राकेश पांडे की ये मुलाकात थी। साथ ही आपको बता दें कि विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे की सीएम से ये मुलाकात की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां विधानसभा सचिवालय में सीएम से आज सपा विधायक मिले हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, वोटिंग लगातार जारी है। उसी बीच ये सपा के 5 विधायकों ने सीएम से मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी से सपा विधायकों की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसमें अभय सिंह, राकेश पांडे की ये मुलाकात बताई जा रही है। साथ ही विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे भी इसमें शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से, जहां आज 5 सपा विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा के 5 विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की है, जिसमें अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे भी शामिल हैं। बता दें कि ये सभी 5 विधायक विधानसभा सचिवालय में सीएम योगी से मिलते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से, ये टीवी स्क्रीन पर अहम जानकारी आप लखनऊ से देख रहे हैं। सीएम योगी से आज सपा विधायकों ने ये बड़ी मुलाकात की है। राज्यसभा चुनाव के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि सपा के 5 विधायकों ने आज सीएम योगी से मुलाकात की है। किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बता दें अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे इस मुलाकात में शामिल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, सीएम योगी से आज ये सपा के 5 विधायक मिले हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर राज्यसभा चुनाव से लेकर ये अहम जानकारी सीधे आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता राशिद अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, आज ये जो सपा के 5 विधायक सीएम योगी से मुलाकात करते हुए नजर आए, राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें तो ये मुलाकात कितनी अहम मानी जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव आज हो रहा था उसको देखते हुए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो 4 विधायक थे सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अटकलें लगाई आ रही थी, 8 विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे वो कल जो डिनर पार्टी अखिलेश यादव ने किया था उसमें भी शामिल नहीं थे। जो सबसे बड़ी बात, अगर बड़े चेहरे की बात करें तो पल्लवी पटेल भी कल मौजूद नहीं थी, आज सुबह 11:30 बजे तक नहीं थी। मगर उसके बाद जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ 12:30 बजे के करीब में पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी को अपना वोट किया। वही राशिद, अगर बात करें जिस तरीके से सपा विधायक भी हैं, इससे पहले भी इस्तीफा देखने को मिला चुनाव के मतदान से पहले ही, तो क्या लगता है जो 5 विधायक आज सीएम योगी से मिलते हुए नजर आए हैं, इस मुलाकात का क्या असर देखने को मिल सकता है चुनाव पर? जी लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके विधायकों को लुभावना दे रही है, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे पार्टी के विधायकों को तोड़ने के काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल राशिद, वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से ये मतदान चल रहा है, सीएम योगी ने भी अपना मतदान दिया है और सपा के विधायक भी लगातार मतदान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या माहौल बना हुआ है इस समय, अगर यूपी की बात करें, लखनऊ की बात करें तो? जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो सपा के मुख्य सचेतक पद से थे मनोज, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जो उनके विधायक थे, विधायक दल थे, वो सब साथ में जाकर वोट किए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी 4:30 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद 5 बजे रिजल्ट आएगा।
ठीक है राशिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी इस खबर को लेकर हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से, जहां सीएम योगी से सपा विधायकों की ये मुलाकात है। साथ ही हमारे संवाददाता राशिद अलवी ने भी हमें साफ तौर पर बताया कि ये जो 5 विधायकों की मुलाकात है ये काफी अहम मानी जा सकती है, क्योंकि यूपी में इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। सीएम योगी ने भी अपना मत डाला है और 4:30 बजे तक ये वोटिंग होगी, जिसके बाद 5 बजे नतीजे सामने आएंगे।